एक एक्सपर्ट व्यू जेके त्रिपाठी साहब आपसे। जेके त्रिपाठी साहब ठीक है, बहुत सारे जवाब सुनने के पहले भावनाएं जी, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, आपने मैंने आलोक शर्मा के पूरे बयान को बिना टोके सुना, ये आपका पूरा बयान जो है मेरे बयान को बिना सुने टोका टाकी। सवाल ये है कि टोका टाकी कोई ना करे, वहां पर बताइए आलोक शर्मा, एक मिनट, टोका टाकी कोई ना करे, कोई किसी की बात में ना करे, वो उन्होंने विदेश मंत्री को क्या बोलेंगे बताइए जरा। हां तो जवाब देते हैं सर, वो कह रहे हैं आप उनको टोक क्यों रहे, उनको जवाब दे दीजिए आलोक शर्मा। एक आलोक शर्मा जरूरी है, पठानकोट के बाद हमारे देश के गृहमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करने का कोई कारण ही नहीं। एक मिनट, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, बीजेपी का राष्ट्रवाद, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, इनकी सुन लीजिए हरकतें। प्रेम शुक्ला 30 सेकंड जवाब दीजिए और मैं चाहूंगा आलोक शर्मा आप प्लीज दीजिए ना, इनका जवाब सुन ले, फिर मैं जेके त्रिपाठी से जाता हूं। सबसे शर्मनाक स्थिति थी कि 26/11 हुआ और 26/11 के बाद शर्मल शेख में जाकर हम बलूचिस्तान जो शर्मल शेख में हमारा स्टैंड था वही मोदी जी का स्टैंड है जिसको आप मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। 26/11 के बाद बीजेपी ने बॉम्बे में पोस्टर लगाए थे लोगों के मरे हुए के, आप लोग राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अनुशासित करके देखिए। 26/11 के बाद हमने उसको आइसोलेट किया, आप दोनों को टाइम दिया, एक मिनट, आप दोनों को टाइम दिया सर प्लीज, एक मिनट प्रेम शुक्ला आलोक शर्मा, एक मिनट, जेके त्रिपाठी में आपके पास आऊंगा। जेके त्रिपाठी, शफकत सईद को आपने सुना, शफकत सईद को आपने सुना किस तरह से वो लोग आज भी, और वो कभी मानने को तैयार नहीं, लेकिन शफकत सईद को छोड़िए, आप ये बताइए सर, क्या 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 हम जिस तरह बढ़ रहे थे, ये जो सिंधु नदी की जो संधि है और इसको जो रोकने की बात है, क्या हम जिस तरह पाकिस्तान को आइसोलेट करने को बढ़ रहे थे, क्या इसको तो ये इफेक्ट नहीं करेगा? नहीं देखिए, इसको अभी इफेक्ट नहीं करेगा। मैं यहाँ पे एक चीज़ ये करना चाहता हूँ कि ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे राजनीतिक दल जो हैं इस डिस्कशन को आपसी लड़ाई का मुद्दा बना लेते हैं। देखिए जहाँ तक आइसोलेट करने की बात है, अभी तक हमने पूरे पाकिस्तान बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं भारत के। देखिए जहाँ तक आइसोलेट करने की बात है, ऐसा नहीं है कि हम आइसोलेट कर चुके हैं, नहीं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं। और उसमें देखिए अमेरिकन कांग्रेस में जो मुद्दा आया वो देखिए, फ्रांस का जो बयान आया वो देखिए, रशिया का जो बयान आया वो देखिए, और चीन का भी अभी लेटेस्ट जो है कि चीन ने पाकिस्तान के जिस तरह से बताया है वो सब देख के आपको क्या लग रहा है? अफगानिस्तान का जो बयान है आज वो आपके साथ आज दिखाते हैं कि हम न्यूट्रल हैं, कल वो फिर पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। चीन के आर्थिक हित जो है वो पाकिस्तान से जुड़ गए हैं, पीओके में वो क्या कर रहा है, पूरा स्ट्रेटजिकली पूरी तरह से चाइना और पाकिस्तान साथ हैं। हम चाइना पे भरोसा करें तो बहुत ही, हम भरोसा पाकिस्तान पे भी नहीं कर सकते और हमने किया भी नहीं है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार रही हो, चाहे इंदिरा गांधी की सरकार रही हो और चाहे ये सरकार रही हो, हर सरकार के टाइम में पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधि करता रहा है। और हम बार बार कहते रहे कि हाँ हम एक्शन लेंगे, हम नहीं लेते रहे। अब कम से कम अगर हमने एक प्रोएक्टिव एग्रेसिव एक्शन लेने का सोचा है तो हमें ये चाहिए कि वो एक्शन लें। रही बात जहाँ तक सुषमा स्वराज जी क्या बोलेंगी, तो कुछ ही घंटों में वो पता लग जाएगा कि क्या बोलेंगी वो, अगर जो बोलेंगे भी तो उसको मैं नहीं समझता कि प्रेम शुक्ला जी या आलोक जी जो भी अपनी गवर्नमेंट के पहले से बताएंगे। ठीक है, मैं कमर आगा, अच्छा कमर आगा वाले जीडी बख्शी आपके पास आता हूं, कमर आगा जल्दी, एक बहुत बैलेंस स्टेटमेंट होगा। पाकिस्तान की तरह से नहीं होगा कि 20 मिनट में 15 मिनट वो करने की बात होगी, बिल्कुल होगी, कोई सवाल ही नहीं कि ना हो, नहीं होगी, ये तो सवाल ही नहीं उठता ही ना, ये तो मतलब हो ही नहीं सकता, इतनी जनता सब वेट कर रही है। छोटा सा एक चीज गौरव जी जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि विदेश मंत्री है और विदेश मंत्री मुझे लगता है कि जितनी तमाम इस मुद्दे पर मीटिंग हुई है उसमें एब्सेंट रही है, तो उम्मीद करता हूं कि कोई अधिकारी उनको जरूर बीफ कर देगा, क्योंकि मोदी साहब ही सारे, मुझे नहीं लगता, लेकिन मैं सॉरी मैं आपको नहीं, वहां गए होंगे अधिकारी, मैं उम्मीद करता हूं कि अधिकारी उनको बीफ जरूर होंगे विदेश मंत्री, लेकिन ठीक है ये आपकी आपकी भावना है। जीडी बख्शी, नहीं एक मिनट प्रेम शुक्ला आ रहा हूं आपके पास, जीडी बख्शी साहब एक तरफ पाकिस्तान F-16 उड़ा रहा है, दूसरी तरफ खबर यह भी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने वॉर रूम में कई घंटे बिताए। जीडी बख्शी साहब, क्या हम ये माने कि, क्योंकि एक अगर कायदे की बात कहें और प्रैक्टिकल बात कहें, कॉमन सेंस, वो न्यूक्लियर स्टेट के बीच सीधी लड़ाई तो बनती नहीं है और सीधी लड़ाई से दोनों देशों को नुकसान है, लेकिन क्या कोई स्ट्रैटेजिकल एक्शन हो सकता है जिस जो पाकिस्तान को भी समझ में आ रहा है और इसलिए वो भी पूरी तैयारी में लगा हुआ है, सर्जिकल स्ट्राइक से भी अलग? सर देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बिटवीन द स्पेक्ट्रल एंड्स ऑफ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट एंड फुल स्केल वॉर,
बहुत सारे स्टेप्स हैं, मिलिट्री स्टेप्स जो आप ले सकते हैं, अब मैट्रिक्स ऑफ ऑप्शंस है, आप एयर स्ट्राइक्स कर सकते हैं टेरर कैंप्स पे, आप फायर असॉल्ट कर सकते हैं पाकिस्तानी पोस्टों पे जहां से इन्फिल्ट्रेशन हुई, आप स्पेशल मिशन रेड्स कर सकते हैं दाऊद को मारने के लिए, आप मार्कोस कमांडोज क्रूज मिसाइल प्रिसिशन गाइडेड म्यूनिशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास कोई 1150 विकल्प है शॉर्ट ऑफ फुल स्केल वॉर, आप उनसे शुरू तो करिए, एस्केलेशन लैडर अपने आप शुरू होगी जहां तक ले जाना चाहते हैं। बहुत समझदार है नेता इस देश के, बहुत समझदार है कमांडर इस देश के, आप एस्केलेशन कंट्रोल एस्केलेशन डोमिनेंस रख सकते हुए भी कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन आप पहले ही गश खा के मरना शुरू हो जाए कि साहब न्यूक्लियर बम फट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये टिड्डी दल की तरह निकल आते हैं जब भी बात कोई तनाव बढ़ता है भारत पाकिस्तान के बीच में कि साहब न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा। अरे कहां से न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो जाएगा साहब, पाकिस्तान के जर्नैल आलीशान बंगलों में रहते हैं, मर्सिडीज कार में घूमते हैं, वो चाहते हैं वो और उनकी फैमिली न्यूक्लियर स्मोक में स्वाहा हो जाए, वो नहीं करेंगे कुछ न्यूक्लियर। मैं उम्मीद करता हूँ जीडी बख्शी साहब की बात को मोदी सरकार जरूर सुनेगी। न्यूक्लियर रेड लाइंस पढ़ लीजिए, उन्होंने कहा है कि ओनली इफ अ लार्ज पार्ट ऑफ पाकिस्तान लार्ज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेज आर डिस्ट्रॉयड तब वो इस्तेमाल करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स। वहां तक जाने के लिए कौन आपको कह रहा है, बहुत सारे शुरू के कदम तो लीजिए। प्रेम शुक्ला जवाब देना चाहेंगे इस बारे में, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, 30 सेकंड में, उसके बाद एक फाइनल कमेंट अपने एक्सपर्ट से लूंगा। जल्दी न्यूक्लियर वार से नहीं, न्यूक्लियर वार से डरने कोई आवश्यकता नहीं, पिछले 71 वर्षों में चीन और सोवियत संघ के बीच भी कन्फ्रंटेशन 69 में हुआ, कोई दोनों न्यूक्लियर पावर थे, कोई न्यूक्लियर वार नहीं हुआ। नाटो में और रशिया के बीच में यूक्रेन की क्रीमिया को लेकर जो है झगड़ा चल रहा है, लेकिन कोई न्यूक्लियर जो है युद्ध नहीं हुआ। हमको जो है उनकी छाती पर चढ़कर आतंकवाद को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं, कूटनीतिक रणनीतिक सारे निर्णय लिए जाने की आवश्यकता है और भारत सरकार संकल्पबद्ध है, निर्णय ले रही है और उस पर जो है कार्रवाई होगी। ठीक है, मैं कमर आगा एक फाइनल कमेंट आपसे, जो सिंधु का मुद्दा है, सिंधु नदी का, जो आइसोलेशन की बात है और जो यूएन की स्पीच की बात है, क्या वाकई पाकिस्तान आइसोलेट हो रहा है? देखिए पाकिस्तान इसमें कोई शक नहीं कि काफी आइसोलेट हुआ है। बराक ओबामा से अपॉइंटमेंट मांगा था नवाज शरीफ साहब ने, उन्हीं ने मिलने से इनकार कर दिया, फिर उसके बाद उन्हीं ने जॉन कैरी से बातचीत की, ये बहुत कम होता है कि एक प्रधानमंत्री फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत करे, इंस्टेंट वहाँ पर बातचीत हुई और कैरी के सामने इन्हीं ने कश्मीर का इशू जैसे ही राग अलापा, वैसे ही कैरी ने कहा कि पहले आप उरी और पठानकोट में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको पकड़िए, और दूसरी चीज़ ये कि जो टेरर आ रहा है भारतवर्ष में और दूसरी जगह अफगानिस्तान में उसको फौरन रोकिए, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर लगाम लगाइए, ऐसे बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डेड स्टेटमेंट वहाँ पे उसके बाद दिया। फिर उसके बाद एक छोटी सी बात यहाँ कहना चाहूंगा, हम कह रहे हैं आइसोलेट हो गया, उनसे वो नहीं मिले, लेकिन मोदी साहब के मित्र जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्होंने एक बार भी निंदा तक नहीं की है कि जो हमारे 18 जवान शहीद हुए हैं नवाज शरीफ साहब पर भी हम दबाव नहीं बना पाए हैं मोदी सरकार, मोदी साहब के तो बहुत अच्छे मित्र हैं, वो बहुत बार बार मिलते रहते हैं, तो कर दीजिए आपने एक बार भी डिप्लोमेसी, कौन सी डिप्लोमेसी हमारे मोदी साहब बार बार पीठ चुपता रहते हैं। डिप्लोमेसी में कोई ऐसे मित्र और शत्रु नहीं होते, चोंच मिलाकर बात की है, बार मिलेंगे तो आपके बहुत जिगरी दोस्त हो जाएंगे। देखिए साहब दो बार बार बीजेपी के प्रवक्ताओं ने कहा बहुत अच्छी दोस्ती है ये उनकी। ठीक है, ओके ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जो करना चाहता हूँ, थैंक यू सर, थैंक यू सर, माफ कीजिएगा आपको रोका मैंने, लेकिन समय खत्म हो चुका है, तो कुल मिलाकर आप सभी का शुक्रिया, और कुल मिलाकर बात यही पे यहाँ निकल कर आती है कि कुछ भी करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखानिया है, पाकिस्तान को बताना है और सिखाना है कि वो आतंकवाद को इस तरह से अपने घर में पाल पोस नहीं सकेगा, और भारत सरकार उस तरफ बढ़ रही है। गोली का जवाब पानी इसलिए क्योंकि सिंधु नदी अगर भारत उसका पानी रोकता है तो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान पर प्रेशर पड़ेगा, लेकिन क्या ये भारत कर पाएगा, बहुत सारे कुछ इसके इफ एंड बट्स इसमें भी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर होता है तो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला होगा जो